अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसनैन, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर पाकिस्तान से। और आज बड़ा अहम मौजू है, हम जो है समझें तकरीबन 7 से 8 क्लासरूम प्रोजेक्टरों के बारे में बात करेंगे। और ये कि इसमें आप इमेजेस भी देख लेंगे सामने नज़र आ रहे हैं, और मेन चीज़ है क्लासरूम एजुकेशन स्कूल के प्रोजेक्टर्स, उनके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि चलें जी वो ठीक है कुछ मॉडल भी बताएं, तो उसके लिए बहुत इजी तरीका है कि जब आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको 6 से 7 ऐसे पॉजिटिव मॉडल नज़र आएंगे स्कूल के लिए, जिनके मैंने वहाँ पर नॉलेज के लिए उनके मॉडल वहाँ पर शेयर किए हैं, ताकि आप देख लें उसको प्रोजेक्टर को कि जो आपको क्लास के लिए रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, शॉर्ट थ्रू उनमें रिक्वायर्ड हैं या मुख्तलिफ किस्म के। तो उसमें कहने को तो ये 8 बेसिक करंट प्रोजेक्टर हैं इस वक्त जो आप देखेंगे वहाँ पर, मगर प्रोजेक्टर्स काफ़ी आते हैं इसमें। फर्दर जब आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, जितने ज़्यादा आप ज़ाहिर लाइक्स उसके ऊपर देते हैं और ज़ाहिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको देख के बता दूंगा जो सेटिंग्स होंगी कि कैसे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं क्या करना है इसके लिए। हमें ज़ाहिर आपकी कुछ डिटेल्स भी ज़्यादा होती है, तो उसमें ये कि इंशाल्लाह जो फर्दर ही के हर तक तो जो बंदा है उस तक, या जो हमारे प्यारे क्लाइंट हैं जो रब्ता करते हैं, तो सम टाइम ज़ाहिर हर आदमी को एकदम जवाब देना इतना आसान नहीं होता उसके ऊपर, मगर आंसर ज़रूर करता हूं मैं उसके ऊपर ना। तो आप मुझे ये कि रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर पे, वो आपके डिस्क्रिप्शन में जब आप देख लेंगे आपको नज़र आ जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप भी उन्हीं के साथ है दोनों नंबरों के साथ। तो आप सबसे पहली चीज़ है कि क्लास रूम के हवाले से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है क्लास रूम का कि क्लास रूम के अंदर लाइट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर बिल्कुल आप क्लासरूम को बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और डिस्टेंस की भी बात है, शॉर्ट थ्रू है, कहीं पर शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर्स नहीं हैं, तो उस हवाले से भी हम देखते हैं कि उसको कैसे लेके चलना है उसको ना। तो उसमें मॉडल आप देख लीजिए, उसके ऊपर जो मॉडल दिए गए हैं इसके हवाले से कि उसमें शॉर्ट थ्रू के जो प्रोजेक्टर्स हैं लाइक बैंक्यू के हो गए, एसर के हो गए, डेल के हो गए उसके अंदर, और सोनी के हो गए। तो पहले ये कि डिस्क्रिप्शन में तो वो आप देख ही लेंगे, ठीक है। और बकायदा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे ज़ाहिर है कमेंट बॉक्स में आप बता दें उसके ऊपर, मुझे टैक्स कर दें इसके ऊपर, या मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे तो इस पर भी फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। अब क्लास जो है मुख्तलिफ साइज़ की क्लास हैं, उनमें कुछ बच्चों की ज़्यादा सेटिंग्स हैं, ज़्यादा सेटिंग्स के लिए कुछ काम है उनके अंदर, उसी हवाले से प्रोजेक्टर होते हैं। फिर लैब के लिए रिलेटेड आ गए उसमें वो भी हैं, वो एक ज़रा शॉर्ट चीज़ हो जाती है, मगर क्लास रूम बड़ी होती है, बड़ी क्लास एज़ अ प्रोफेशनल प्रोजेक्टर्स जो आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, नॉट अ नॉर्मल, नॉर्मल भी हमारे पास अवेलेबल हैं और ये प्रोजेक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसमें ये कि लाइट के इश्यूज आते हैं, फोकस के इशू आते हैं, ठीक है। अब वो स्मार्ट बोर्ड के जो प्रोजेक्टर्स हैं वो भी आप ज़ाहिर उसमें देखते हैं, कुछ लोग विदाउट स्मार्ट बोर्ड नॉर्मल प्रोजेक्टर को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ये चाहते हैं कि फ्रंट जहाँ से वहाँ से उनके ऊपर कोई लाइट और सोर्सेस ज़ाहिर उनके ऊपर ना आए, तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है वहाँ पर लाइट्स वगैरह का जो है। तो ठीक है, उसके लिए फिर शॉर्ट थ्रू इस्तेमाल होते हैं प्रोजेक्टर के, ठीक है। आप इजी जो है उनको पॉइंटर के थ्रू आप बच्चों को समझा दें, या ज़ाहिर जिस तरह होता है रेड पॉइंटर के थ्रू या ग्रीन पॉइंटर के थ्रू, ब्लू पॉइंटर के थ्रू आप उनको समझाएं बोर्ड के ऊपर, तो आपके लिए बड़ी इजी हो जाती है वो चीज़। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ज़ाहिर आप ज़ाहिर इस पर जब डिटेल्स देखेंगे नज़र आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि कुछ ज़्यादा मॉडल्स की डिटेल आपको उसके अंदर मैं जो है उसके अंदर डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, कि जो हमारे ऐसे भाई हैं जो नहीं समझ पा रहे इसको, तो उनके लिए ज़रा इजी हो जाए। कुछ स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं स्कूल के लिए, किस तरह लगाए जाते हैं, कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्टर हैं उनको ज़रूर देखिएगा। और फर्दर के मॉडल के ऊपर मेरा बिल्कुल अच्छा है कि आपने मुझे बताया, तो इंशाल्लाह ठीक है, जो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ वो इंशाल्लाह मैं मॉडल आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट फॉर यू, ज़ाहिर आप लोग हमारी ताकत हैं क्लाइंट वगैरह, और फर्दर जो बात बताते हैं उस पर भी मैं ज़ाहिर उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर का चैनल आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, आपने बहुत प्यार दिया और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और इंशाल्लाह उम्मीद ये करता हूँ कि हमारा आपका साथ चलता रहेगा। और इस चैनल को माशाल्लाह आप देखते रहिए, और मैं ये कि फर्दर आपसे जो है ना वीडियोस बहुत सारी जो है शेयर करता रहूँगा। टेक्निकली चलें ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछें मुझसे, और अगर ये कि क्लासरूम के जो प्रोजेक्टर्स हैं
जैसा कि ये आप देख रहे हैं इसमें नज़र आ रहा है आपको, तो इनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। टेक्निकली कोई चीज़ पूछना चाहते हैं उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये एक ज़ाहिर है फिर यही बात होती है कि एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें काफ़ी लोग हैं, और ज़ाहिर है वो आप समझते हैं कि हर जगह रिक्वायरमेंट शायद हो सकता है हम भी पूरी ना करते हों इतनी, मगर कोशिश है तकरीबन कर लेते हैं कोशिश जो कुछ थी है प्रोजेक्टरों के लिए कि हम उनकी प्रॉपर आपको डिटेल दे सकें और जो अच्छी से अच्छी डिटेल हो वो हम आपको दे सकें इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर